You have met all the 8 methods to form simple sentences. Today I am going to revise the 8 methods which you have read one by one. साधारण वाक्य बनाने के 8 तरीके आपने एक एक करके पढ़े हैं. आज मैं 8वें तरीकों को एक साथ आपको पुनरावृत्त कराने जा रहा हूं. देयर आर 8 मेथड्स टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस. साधारण वाक्य बनाने के 8 तरीके हैं. इसमें फर्स्ट है पार्टिसिपल. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. इन इट सेकेंड वर्ब स्टार्ट्स व्हेन फर्स्ट वर्ब इज इन प्रोग्रेस. एज ही सॉ मी ही रैन अवे. Answer is seeing me he ran away. Second B hai past participle. Its form is verb third form. Verb ka third form past participle kaha jata hai. Aapko diye hue sentences mein with helping verb you get verb third. Diye hue vakya mein sahayak kriya ke sath कोई ना कोई वर्ब थर्ड मिलता है जो पहले वाक्य में प्रयुक्त नाउन वर्ड के लिए रहता है. एस आई मेट ए मैन ही वाज टायर्ड. टायर्ड थर्ड फॉर्म है और वाज इसकी सहायक क्रिया है. वाज को यही छोड़ देते हैं. टायर्ड को किसके लिए टायर्ड का प्रयोग किया गया है? माइंड के लिए. हु इज टायर्ड? द मैन इज टायर्ड. इस टायर्ड को लाके माइंड के साथ लगा देते हैं और आपका सेंटेंस बनता है आई मेट ए टायर्ड मैन. ये एडजेक्टिव का काम करता है. थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल. व्हेन वन वर्क इज फिनिश्ड द सेकंड स्टार्ट्स. पहला काम पूरा होने के पश्चात दूसरा कार्य शुरू हो तो पहले होने वाले कार्य की क्रिया में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है. इसका फॉर्म है हैविंग प्लस वन थर्ड. ये हैविंग पहले होने वाले कार्य की क्रिया के साथ लगाकर उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं. एस ही फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम. पहले कार्य हुआ फिनिश द वर्क तो आपने इसको बनाया हैविंग फिनिश्ड द वर्क. कार्य पूरा करने के पश्चात ही वेंट होम. ये फिनिश पहला कार्य है इसलिए इसके साथ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया. दूसरे मेथड पर आप पहुंचते हैं. दूसरा मेथड है इन्फिनिटिव. इसका फॉर्म है टू प्लस वन फर्स्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर पर्पस और रिजल्ट. उद्देश्य या परिणाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. एज ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक. ही इज टू वीक टू वॉक. वेरी के स्थान पर की डबल लगाते हैं और सेकंड क्रिया के पहले टू लगाते हैं. थर्ड पे आता है थर्ड मेथड टू मेक सिंपल सेंटेंस इज देयर. इट्स फॉर्म इज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. आई यू सर द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल आल्सो इज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी एंड द फॉर्म ऑफ जीरन इज वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. बट व्हेन यू यूज जीरन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी we use some prepositions before it which are in spite of, for opposite result, due to, for reason, besides, for both, दोनों के लिए, and after, एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य जो होता है, और on, for continued work. As एक सेंटेंस यहां लिखा हुआ है ड्यू टू बी इल ही डिड नॉट कम. यह सेंटेंस आपको दिया गया है ही वॉज इल ही डिड नॉट कम. उसके न आने का कारण क्या है? उसका बीमार होना. इसलिए बीमार होने में ड्यू टू लगा दिया गया क्योंकि ये कारण बता रहा है. ड्यू टू बीइंग इल ही डिड नॉट कम.
जीरेंड का और फर्स्ट प्लस आई एनजी का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले या तो स्पाइट ऑफ अपोजिट जेंड है, रीजन है तो ड्यू टू, दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो बिसाइड्स, और टाइम के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो आफ्टर, और कंटिन्यू वर्क के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो आन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यही दोनों में अंतर होता है। फोर्थ मेथड है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट डिफरेंट सब्जेक्ट, जब हमें ऐसे दो वाक्य जोड़ने को मिलते हैं, अभी तक आपने इसमें जितने वाक्य जोड़े हैं सबके कर्ता सेम थे, एक ही कर्ता हुआ करता था, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे में आप जानते हो कि सिंपल सेंटेंस में सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल मेन वर्ब होना चाहिए, और यहाँ डबल सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट को हमें रखना है और दूसरे सब्जेक्ट को निष्क्रिय करना है। तो ग्रामर का नियम है कि परफेक्ट पार्टिसिपल से पहले जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें पहले कार्य होने वाले सब्जेक्ट को परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले लिखते हैं। जैसे द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन रोज द सन को यहां लिख दिया, हैविंग राइजन इसका फॉर्म है हैविंग प्लस वन थर्ड, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, सेंटेंस है द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। फिफ्थ मेथड है फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसमें सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज होता है, तो यदि सब्जेक्ट के लिए फ्रेज है तो उसका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करिए, ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज है तो उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए करिए। एस दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या वाज फादर ऑफ रथ, आपको सेंटेंस मिलेगा दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या ही वाज फादर ऑफ रथ, तो किंग ऑफ अयोध्या और फादर ऑफ रथ ये दो फ्रेज है, दो में से किसी का प्रयोग एक आप इसके साथ कर दीजिए और दूसरे को वर्ब के बाद लिख दीजिए। जैसे दशरथ, दशरथ के साथ मैंने फ्रेज प्रयोग किया द किंग ऑफ अयोध्या वाज, और वाज के बाद दूसरा प्रयोग कर दिया फादर ऑफ रथ। सिक्स्थ मेथड है एडवर्ब, व्हिच क्वालिफाइज द वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है उस शब्द को एडवर्ब बना देते हैं। एडवर्ब बनाने के लिए सामान्यतया शब्द के अंत में या वाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही आंसर, द आंसर वाज करेक्ट, आंसर की विशेषता बता रहा है करेक्ट, और ये सेंटेंस बना ही आंसर्ड करेक्टली। सेवेंथ मेथड है एडजेक्टिव, आपको दिए हुए वाक्य में किसी न किसी एक वाक्य में एक एडजेक्टिव मिलता है जो दूसरे वाक्य में प्रयुक्त नाउन का नाउन की विशेषता बताता है, जोड़ने के लिए आप उस एडजेक्टिव वर्ड को नाउन के साथ लगा दीजिए, जैसे ही आई सा ए ब्लैक काउ, ऊपर दिया गया वाक्य आई सा ए काउ द काउ वाज ब्लैक, ए ब्लैक काउ की विशेषता बता रहा है, काउ ए ब्लैक एडजेक्टिव है, इसलिए इस ब्लैक को लाकर एडजेक्टिव को लाकर नाउन के पूर्व लगा देते हैं, ये सेंटेंस आपका बना आई सा ए ब्लैक काउ। एंड लास्ट एथ है एंड का प्रयोग करते हैं टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को एड करने के लिए, जोड़ने के लिए, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एडवर्ब एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सा ए बर्ड, आई सा ए काउ, ए बर्ड और इधर ए काउ, और जब आपने जोड़ा आई सा ए बर्ड एंड ए काउ, ए बर्ड एंड ए काउ दे आर टू वर्ड्स एंड एडिंग देम वी यूज एंड। इसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, मिसलेनियस होमवर्क दिया जाएगा, जिसमें आठों में से कोई भी कोई मेथड आप प्रयोग करेंगे और मिसलेनियस में आठों मेथड को पढ़ने के बाद ही मिसलेनियस एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।